हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब जामुन मिक्स से गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। यह मार्केट में इजीली मिल जाता है। मेरे पास 175 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स पाउडर का पैकेट है। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें 800 ग्राम चीनी और 800 ग्राम पानी चाहिए। इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। इसे हम 5 मिनट उबालेंगे। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हम अपना सॉफ्ट डो बना लेंगे। हम गुलाब मिक्स का पूरा पैकेट एक बाउल में निकालेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट डो बनाएंगे। ध्यान रहे, पानी एक साथ नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और अच्छे से उसे नीड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर मैं हल्का सा घी लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से इस पर घी लगा के इसको सॉफ्ट कर लिया है और ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया है। इधर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है और हम अब अपने डो से सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, अपने दोनों हथेलियों पर घी या ऑयल लगाकर आप सॉफ्ट बॉल्स बना लें। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बॉल कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक पैन में घी या ऑयल जो आपको पसंद हो ले लेंगे और उसके गर्म होने के बाद उसमें हम एक एक करके सारी बॉल्स डाल देंगे और देखिए उसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए, आप मीडियम आंच पर पका लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए फ्रेंड, मेरे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक मिनट तक रख देंगे। एक मिनट के बाद हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन शुगर सिरप में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद मेरे कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हो गए।